बॉलीवुड में बायोपिक्स का सावन आया हुआ है। हाल ही में अभी संजय दत्त की लाइफ पर आधारित संजू रिलीज हुई है और अब एक और खास बायोपिक आ रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की लाइफ पर आधारित है। इस फिल्म से विजय रत्नाकर जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं वो बॉलीवुड में अपनी डेब्यू करने जा रहे हैं। इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल निभा रहे हैं अनुपम खेर और वो ही बाकी के जो भी एक्टर्स हैं उनका भी खुलासा कर रहे हैं। खुलासा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आपको गांधी फैमिली और बीजेपी के कई और राजनेताओं के बारे में भी पता चलेगा और इनके रोल्स कौन कौन कर रहा है वो एक्टर्स के नाम अनुपम खेर अपनी ट्विटर पर शेयर किए जा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन सा एक्टर कौन सा राजनेता बनने जा रहा है फिल्म में। हाल ही में खेर ने फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को टैग करते हुए अपने ट्विटर पर फिल्म के तीन मुख्य किरदार निभा रहे कलाकारों से रूबरू करवाया, एक फोटो कोलाज शेयर किया और उन्होंने लिखा कि प्रस्तुत है अवतार साहनी जो एल के अडवाणी जी के रोल में है, विमल वर्मा लालू प्रसाद यादव जी के रोल में है और अनिल रस्तोगी शिवराज पाटिल जी के रोल में है। ये तो हमने आपको रीसेंट बात बताई लेकिन इससे पहले भी अनुपम खेर रूबरू करवा चुके हैं बाकी के एक्टर्स और कैरेक्टर्स से। तो वो बताते हैं सबसे पहले आपको सोनिया गांधी का रोल कौन कर रहा है। सोनिया गांधी का रोल इसमें जर्मन एक्ट्रेस सूजन बर्नेट कर रही हैं। इससे पहले भी सूजन टीवी सीरीज प्रधानमंत्री में सोनिया का किरदार प्ले कर चुकी हैं। वो 2007 में आई फिल्म हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड में नजर आई थी। कई टीवी शोज जैसे एक हजारों में मेरी बहना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है और चक्रवर्ती सम्राट अशोक में उन्होंने विदेशी किरदार किए हैं। सूजन ने 2009 में इंडियन एक्टर अखिल मिश्रा के साथ शादी कर ली थी। उन्हें कुल 8 भाषाएं आती हैं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पैनिश, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और बंगाली। अब आते हैं प्रियंका गांधी के रोल पर। तो बता दें कि प्रियंका का रोल आहाना कुमरा निभा रही हैं। 2009 में आहाना ने एक शॉर्ट फिल्म माई से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। अब तक उन्होंने थिएटर प्ले, शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज में काम किया है। 2017 में आई फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में उन्होंने लीला का एक प्रमुख किरदार निभाया था। साथ ही 2013 में वो अमिताभ बच्चन वाली टीवी सीरीज युद्ध में भी थी जिसमें उनका रोल बच्चन साहब की बेटी का था। अब इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए, आहाना कुमरा, अनुपम खेर और बीच में खड़े हैं राहुल गांधी जो कि फिल्म में अर्जुन माथुर प्ले कर रहे हैं। अर्जुन 2017 में आई विद्या बालन स्टारर बेगम जान में दिखे थे। इसके अलावा माय नेम इज खान, एंग्री इंडियन गॉडेसेस और भूमि जैसी फिल्मों में भी काम किया है उन्होंने। उनके करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर हुई थी। फिल्म क्यों हो गया ना, बंटी बबली, रंग दे बसंती और मंगल पांडे जैसी फिल्मों में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। इसके साथ साथ फिल्म क्यों हो गया ना में अर्जुन ने एक साइड रोल भी किया था। अच्छा, दूरदर्शन का एक फेमस सीरियल याद है आपको, हम लोग? उसमें मंजली कौन थी याद है? हम लोग में मंजली का कैरेक्टर किया था दिव्या सेठ ने। ये फिल्म में मनमोहन सिंह की वाइफ गुरशरण कौर जी का रोल कर रही हैं। दिव्या को हम जब भी मैं, दिल धड़कने दो जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। वे मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर संजय बारू के रोल में हैं। ये बायोपिक संजय बारू की बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पर आधारित है। अब आते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस बायोपिक में अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोल कौन कर रहा है। उनकी लुक भी अनुपम खेर ने ही अपनी ट्विटर वॉल पर शेयर की थी कुछ समय पहले। वाजपेयी का रोल राम अवतार भारद्वाज करने वाले हैं। भारद्वाज इंडस्ट्री में नए हैं और इस बड़े प्रोजेक्ट से डेब्यू करने जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि फिल्म में विनोद मेहता, सीताराम येचुरी, ए राजा, एपीजे अब्दुल कलाम, मायावती, सुषमा स्वराज, अमर सिंह, कपिल सिब्बल, ज्योति बासु, प्रणब मुखर्जी, पीवी नरसिम्हा राव और उमा भारती जैसे नेताओं के किरदार भी दिख सकते हैं। फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हंसल मेहता हैं, जिनकी डायरेक्शन में इस साल हमने राजकुमार राव की अभिनीत ओमरेटा देखी थी। तो ये फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 21 दिसंबर 2018 को रिलीज होनी प्रस्तावित है। अब देखते हैं कि क्या होता है। बाकी अगर आप और सिनेमा जगत की खबरें जानना चाहते हैं तो ललन टॉप के पेज को फेसबुक पर लाइक कीजिएगा और यूट्यूब पर अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आप कहना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।